लोकसभा का चुनावी रण अब सजने लगा है। टोटल न्यूज ने भी लोकसभा के इस चुनावी कवरेज को लेकर खास तैयारियां की हैं। मोदी की गारंटी कितनी काम करेगी, हरियाणा के लोग कितना मोदी की गारंटी पर अपना वोट करेंगे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये जिक्र कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के लोगों में जबरदस्त इस वक्त देखने को मिल रही है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा? तमाम राजनीतिक दलों का लोकसभा चुनावों के लिहाज से वजूद क्या है? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इस चुनावी मैदान में कहाँ तक अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति की गई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? और कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि हरियाणा प्रदेश में लोग अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, बेताबी से चुनाव का इंतजार लोगों को है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के सूरमा इस चुनावी रण में खड़े रह पाएंगे? लोकसभा चुनाव का जिक्र हम करेंगे और इसी को लेकर टोटल न्यूज का ये सबसे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो कि आरक्षित सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं सुनीता दुग्गल, और महासंग्राम 2024 के इस खास कार्यक्रम में बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं टोटल न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल लोकसभा में किया, वो ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी 40 के पार नहीं हो पाएगी। तो जो महासंग्राम में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या लोकसभा के चुनावी मैदान में महासंग्राम जैसा कुछ नजर आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आपको अगर इस तरह से आप इसको कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारा एनडीए गठबंधन है, वो 400 के पार जाएगा। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो अगर 400 हमारे पास आ जाएंगे तो नेचुरल सी बात है उनके पास बचेगा क्या। लेकिन 40 सीटों का जो शब्द है वो मोदी जी ने इस्तेमाल किया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 40 के पार नहीं जा पाएगी। देखिए, जिस तरह के आप देख ही रहे हो कि जो एक गठबंधन आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने जो बनाया था एक इंडिया अलायंस, और मैं अभी देख रही थी कि एक बहुत अच्छा जो है पुराना गीत है कि बिछड़े सभी बारी बारी देखी जमाने तेरी यारी पिछड़े सभी बारी बारी। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है एक एक करके उनके सभी जो है साथी वो जा रहे हैं, और उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस ने पिछले सालों में इतने सालों की अपनी राजनीति के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह के जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, तो जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है और जनता चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह 10 साल चली है ऐसे ही आगे और चले। मुझे लगता है कि ये लोगों की मंशा है और इसी मंशा को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार। मैं जिक्र सिरसा लोकसभा क्षेत्र का करूँ तो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा काम है जो आप गिनवाना चाहेंगी बतौर सांसद? आप वहाँ से सांसद थी तो वो संभव हो पाया, वरना वो मुमकिन नहीं था। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जैसे ही मैंने शपथ ली थी तो उसके बाद मुझे ये बताया गया था, बल्कि जब टिकट मिलने के बाद ही मैं जो है लोगों के बीच में जाती थी तो मुझे ये कहा गया था कि यहाँ कम से कम भी 20-25 साल पुरानी जो है वो एक मांग है गोरखधाम ट्रेन की, कि अगर मैडम आप इसको पूरा कर देंगे तो हम लोग जो है वो बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे। और आप देखिए कि मेरी जो मेडन स्पीच थी, जो मेरी सबसे पहली स्पीच थी, उसके अंदर ही मैंने गोरखधाम ट्रेन के बारे में जिक्र किया, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस तरह से हमारी सरकार काम करती है कि वो 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही वो फिजिबिलिटी उसकी हुई और गोरखधाम ट्रेन आज जा रही है। कल ही मैं आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी थी और पूर्वांचल के जो हमारे भाई बंधु हैं उन सब लोगों ने बहुत अच्छा एक जागरण का कार्यक्रम किया हुआ था सिरसा में, और मुझे भी उसमें शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप ये कहिए कि जितना वो लोग इस बात को लेकर जो है वो खुश थे और उनके मन की भावनाएँ उनके उद्गार में जो है आपको बता नहीं सकती, कि कहते कि हम इतना परेशान होते जी, या तो हमें भिवानी से जो है वो अपने यूपी के लिए जो है जगह के लिए कानपुर गोरखपुर वगैरह के लिए जो है ट्रेन लेनी पड़ती थी या दिल्ली जाना पड़ता था, और बीच में हम लोगों की जो है वो जेबें कट जाती थी कई बार, और अब सीधा हम लोग जो है यहाँ से ट्रेन लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक सौगात जो हमारे इलाके के लोगों को मिली है। इसके अलावा अब त्रिपुर सुंदरी जो है, आप देखिए कि किस तरह से हम लोग ईस्ट से भी जुड़ गए हैं, तक सीधी जो है वो ट्रेन जाती है,
और इसके अलावा आप देखें कि बहुत पुरानी डिमांड जो है जम्मू तवी की थी डबवाली के अंदर स्टॉपेज के लिए, वो हमने करके दी है, और कम से कम भी 15 से 20 साल पुरानी ही डिमांड जो है वो आपके टोहाना इंटरसिटी की थी। वो मुझे कई लोगों ने कहा कि हम स्टूडेंट्स होते थे तो स्टूडेंट्स के तौर पर भी हमने बहुत धरने दिए, बहुत प्रदर्शन किए, लेकिन ये जो है गंगानगर इंटरसिटी जो है ट्रेन रुकी नहीं और हमने उसके स्टॉपेज का काम किया। देखिए, मैंने अपनी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी के साथ, बहुत जो है अपने पद के साथ एक सांसद के तौर पर न्याय करने की पूरी पूरी कोशिश की है, और मुझे संतुष्टि है और मुझे लगता है कि लोगों को भी संतुष्टि है। ट्रेन का जिक्र आप कर रहे हैं तो फतेहाबाद का इलाका आपके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वो आज भी ट्रेन से अछूता है, कह सकते हैं कि फतेहाबाद के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी, तो वो सपना क्या पूरा हो सकता है या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो है पहले के जो सांसद हैं उन्होंने शायद जो है ये प्रॉमिस किया होगा, लेकिन मैंने जब इसको धरातल पर जाकर अधिकारियों के साथ बातचीत करी तो मैंने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि भट्टू जो है बिल्कुल 15-20 किलोमीटर के दूरी पर है, और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर उसको हमने अमृत स्टेशन के अंदर जो है वो A1 क्लास का स्टेशन बनाने के लिए सरकार की तरफ से योजना है, और मैं ही बल्कि उसको कहकर, क्योंकि जो है पहले सिरसा जिला, इसमें सिरसा का रेलवे स्टेशन आ रहा था, डबवाली का आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि सिरसा के अंदर तो हमारी 5 विधानसभाएं और इसके साथ साथ जो नरवाना है और जो हमारा फतेहाबाद जिला है उसको भी आप कवर करिए, तो फिर मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बात करके और भट्टू को भी इसमें इन्वॉल्व करवाया, और वो A1 क्लास का वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, एक उनके साइड की रोड के लिए उन्होंने बहुत दिन से कहा हुआ था उसको हमने जो है वो बनवाने का काम किया, वो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अब की बार जो है 2-3 बार ये अपनी बात जो है रखी है कि क्योंकि अग्रोहा धाम वहाँ पर पड़ता है और अग्रोहा धाम में जो है हमारे बहुत ही अग्र समाज के जो लोग हैं उनकी इच्छा है कि जो ट्रेन एक जो है सीधा हिसार से अग्रोहा होते हुए फतेहाबाद से होते हुए अगर सिरसा तक जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। ये मैंने कई बार सवाल रखा है और अब की बार फिर से मैंने रखा है, एक एलनाबाद से लेकर सिरसा तक की नई रेलवे लाइन और एक जो है हमारा हिसार से लेकर अग्रोहा से फतेहाबाद से होता हुआ सिरसा तक की एक रेलवे लाइन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया कि हरियाणा प्रदेश के हर एक जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज, तो सिरसा के लिए एक मेडिकल कॉलेज की बात भी सामने है, क्या ये सपना सिरसा के लोगों का पूरा हो सकता है? बिल्कुल पूरा होगा। उन्होंने माननीय हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो है इसका शिलान्यास किया है और बहुत जल्द जो है 1,000 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा के अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो खुलने जा रहा है, और इसके साथ साथ रसूलपुर जो हमारा फतेहाबाद जिला है उसमें भी जो है पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके अनाउंस किया था, और वहाँ पर भी जो है क्योंकि देखिए इतना बड़ा काम है तो ज़मीन वगैरह लेना, उसकी पूरा जो है उसकी उसके बाद उसके ऊपर धरातल पर काम होना तो उसमें समय लगता है, लेकिन आप विश्वास रखिए सिरसा के अंदर भी और फतेहाबाद जिले के रसूलपुर गाँव में भी वहाँ पर भी जो है 2 मेडिकल कॉलेज हमारे बनेंगे मेरी लोकसभा के अंदर, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सिरसा के अंदर लोकप्रियता के सवाल पर मैं आ जाता हूँ। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि सुनीता दुग्गल मोदी लहर में जीत गई और उसके बाद जीतने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में धन्यवाद करने तक नहीं पहुँची। देखिए ऐसा है कि ये ना मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने एक तरह से इस तरह का, क्योंकि उनको जब सुनीता दुग्गल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला तो मुझे लगा कि एक तरह का इसका भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। देखिए ये सब जानते हैं, हर किसी को पता है कि इन 5 सालों के अंदर हमारे 2 साल तो कोरोना में निकल गए, हर कोई जो है जब अपने जो घर परिवार के लोगों से भी दूर था, ऐसे उसमें अगर मैं इलाके में जाती थी, हालांकि फिर भी मैं बहुत गई इलाके में और वहां पर जाकर मैंने जितने वेंटिलेटर्स वगैरह हो सकते थे, जितने हमारे बच्चे जो बाहर के देशों में थे उनको मैंने जो है अपने इंडिया में लाने का काम किया, और इसके साथ साथ जहाँ तक जो मदद हो सकती थी मैंने की, लेकिन फिर भी जब मैं कभी बीच में जाती थी तो जो आपके जो विरोधी होते हैं तो उनको कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि देखिए दिल्ली से आपके लिए कोरोना ले आई है या आप सबको कोरोना लगा देगी। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि अब चुनाव चूंकि नज़दीक है तो सुनीता दुग्गल की सक्रियता सबसे ज़्यादा है। नहीं, सक्रियता मेरी मैं तो ये कहूँगी कि जो पिछले 5 साल थे 2014 से लेकर 2019 तक, आप उसकी सक्रियता भी देखें ना,
तो उस समय तो मैं सांसद नहीं थी, लेकिन तब भी मैं लगातार जो है वो इलाके में सक्रिय रहती थी। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, फिर कुछ जो है वो आंदोलन की वजह से भी, तब भी जो है अगर कहते कि अगर आप हमारे गांव में आएंगे तो हम आपको घुसने नहीं देंगे, और अगर आप गांव में जाते हो तो फिर कहते हैं कि भी आपको घुसने नहीं देंगे, और अगर आप नहीं जाओ तो कहते हैं कि आप आए नहीं। आंदोलन का आपने जिक्र किया, तो आंदोलन की आठ एक बार फिर से सुनाई देने लगी। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर, तमाम खनोरी बॉर्डर पर जो किसान है इस वक्त डटे हुए हैं, पंजाब से बड़ी तादाद में किसान हरियाणा में दाखिल हो भी रहे हैं और होना भी चाहते हैं। क्या लगता है किसान आंदोलन कितना जायज़ आप मानते हैं, और आपका स्टैंड क्या? देखिए, किसान आंदोलन जब पहले भी था तो मैंने हमेशा अपने किसान भाइयों को ये कहा था, क्योंकि मेरे इलाके में वैसे भी जो है किसान बहुत ज़्यादा हैं, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि एक जो है एक पुल के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में काम करने की कोशिश करूँगी, आपकी बात को मैं केंद्र तक रखूँगी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि केंद्र और हमारे जो किसान भाई हैं उनके बीच में एक तालमेल बने और इसका जो है एक समाधान निकले। और आप ये देखिए कि समय तो लगा उसमें, लेकिन समाधान निकला और कानून जो है वो वापस हुए, और उसी तरीके से मेरी आप फिर से जो है ये कोशिश भी है, और साथ साथ मेरी गुजारिश भी है कि अपना ही देश है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, और केंद्र के भी आपने देखा होगा कि तीन तीन जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसके अंदर जो है लगातार हमारे किसान भाइयों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, और उनके साथ लगातार वार्ता का दौर चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। 13 महीनों का किसान आंदोलन, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत, और उस वक्त मोदी जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा ये वायदा किया था कि MSP पर कानून बनाया जाएगा। अब वायदा खिलाफी अगर की है तो किसानों का गुस्सा भी किसी हद तक जायज है? नहीं, देखिए, जो भी जिन भी बातों के ऊपर उस समय में बातचीत हुई थी, तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि तीन तीन मंत्री जो हैं हमारे इसमें लगे हुए हैं, और वो ज़रूर जो है बैठकर जो भी बातें पहले हुई थी और जो भी आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक बात तो देखिए आप मानेंगे और हमारे किसान भाई भी मानते हैं कि एक कोई कांग्रेस के समय में समय था कि कोई दो दो ढाई ढाई रुपये तक के भी चेक जो है उनको दिखाने का काम जो है हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया था, और जबकि अब अगर आप देखें तो चाहे आप MSP की बात करें, चाहे आप जो है वो फसल बीमा योजना की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, इससे पहले कभी जो है ऐसे निधि जो है किसी भी सरकार ने नहीं दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 6,000 रुपया जो है सम्मान निधि देने की बात की, करोड़ों करोड़ों रुपया जो हमारे किसान भाइयों के खाते में गए, फसल बीमा योजना के तहत लाखों लाखों रुपया हमारे किसान भाइयों के खातों में आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि पहले से सरकार ने काफ़ी, और MSP की बात करें, अगर आप MSP में भी बहुत ज़्यादा जो है हमारी सरकार ने सुधार किया, और ऐसी ऐसी फसलों में भी MSP दी है कि जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था कि सरकार जो है वो इस तरह से MSP दे सकती। ये भी कहा जा रहा है कि टिकट की टक्कर इस बार सुनीता दुग्गल के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, दो दो रिटायर्ड IPS अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए लगाए हुए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक जो है सिपाही के तौर पर काम करती हूँ, और संगठन की बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय जो है कार्यकर्ता हूँ, और इसीलिए मुझे कई बार इस बात का ये भी होता है कि संगठन जहाँ ज़रूरी समझता है, देखिए, कि वहाँ मेरी जिम्मेवारी लगाता है। चाहे आप उड़ीसा के अंदर एक जो वहाँ पर हमारी एक बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था उसकी जो कमेटी बनी उसके अंदर मेरी जिम्मेवारी लगाई, चाहे आप राजस्थान के अंदर जो है वहाँ पर इस तरह की कोई बात हुई थी, एक कमेटी बनी उसके अंदर मेरी जिम्मेवारी लगाई, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर जब पिछली सरकार थी तो उसमें कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेवारी लगाई, और अभी हाल ही के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह से जो सुनने में आ रहा है उसके अंदर एक डेलीगेशन के तौर पर मेरी जिम्मेवारी लगाई। तो संगठन को ये बेहतर मालूम है कि सुनीता दुग्गल की उपयोगिता संगठन में किस तरीके से हो सकती है। संगठन को अगर ये लगेगा कि सुनीता दुग्गल ने पिछले 5 वर्षों में लोकसभा सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है, चाहे हम पार्लियामेंट में बोलने की बात करें, चाहे हम धरातल पर काम करने की बात करें, तो संगठन 100% जो है वो फिर से मुझको आशीर्वाद देगा और इस बार फिर से टिकट देकर और हम लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री जी जिसे भांजा कहते हैं, डॉक्टर अशोक तंवर, अब भाजपाई हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट का वायदा मुख्यमंत्री जी की तरफ से कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा वायदा है तो मुख्यमंत्री जी इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भांजा की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सभी मीडिया के समक्ष ये भी कहा है कि सुनीता दुग्गल भी मेरी भांजी है, हम दोनों बहन भाई हैं, जिसको भी प्रभु कृपा से और संगठन के आशीर्वाद से टिकट मिलेगी तो मिलकर जो है काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यहाँ से कमल खिलाने का जो
जो है वो काम करेंगे। बीजेपी के लिए तो आप ज्यादा नहीं बोलेंगी, तो मैं कांग्रेस का जिक्र कर लेता हूँ। कांग्रेस में भी अब ये कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा सिरसा के चुनावी रण से लोकसभा में चुनावी ताल ठोक सकती हैं। हालांकि वो खुद इनकार कर रही हैं, लेकिन पार्टी इसके लिए उन्हें आदेश कर सकती है। देखिए, ये फिर मैं वही बात कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की सरफुटोवल चल रही है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो है वो गुट बने हुए हैं, उनकी अलग अलग उनकी यात्राएं चल रही हैं, तो ऐसे उसमें उनकी तरफ से क्या रहेगा ये तो भविष्य के गर्व में है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल सिरसा में अब की बार फिर से खिलेगा, क्योंकि बहुत समय से जो है एक विश्वास जो है वो पार्टी ने सिरसा की जनता पर व्यक्त नहीं किया था। और आपने देखा होगा कि हमेशा ही किसी न किसी अलायंस के थ्रू हम लोग जो है वो सिरसा के मैदान पर उतरते रहे। पहली बार आप देखिए कि 2019 के अंदर जो है हम लोग जिस तरह से इंडिपेंडेंट वहाँ पर हमने जो है वहाँ पर अपने अपनी ताल ठोकी, तो उसके बाद आप ये देखिए कि जनता ने इतना भरपूर प्यार दिया कि अब तक का रिकॉर्ड है ये कि इससे पहले कभी किसी सांसद को इतने मार्जिन से जो है वहाँ पर विजयश्री हासिल नहीं हुई, और सबके सब 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर लीड जो है वो हासिल नहीं हुई। जिस तरह से 2019 के अंदर वहाँ की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए हम पे जो है वो विश्वास जताया। सिरसा जिले को लेकर हमेशा से ये कहा जाता रहा है राजनीति में कि जिसे चौटाला परिवार नहीं चाहता वो सिरसा के इलाके में सियासी वजूद खो देता है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा कुछ है कि चौटाला परिवार जिसे नहीं चाहेगा सिरसा जिले में या सिरसा के लोकसभा क्षेत्र में वो शख्सियत अपना वजूद खो देगी? देखिए, ऐसा है कि ये भी एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है कि मिथ के जैसा जो है बनाया हुआ है कि वहाँ पर जो है क्योंकि अगर आप इसको आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, तो अब तक जितने भी बार वहाँ पर सांसद बने हैं मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम वहाँ पर कांग्रेस का सांसद बना है, और सिर्फ 2 बार या 3 बार ही सिर्फ जो है वो जो है वो INLD का वहाँ पर सांसद बना है, और एक बार भारतीय जनता पार्टी का 2019 के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसी कोई बात है कि जब तक INLD का आपके ऊपर जो है आशीर्वाद ना हो तब तक वहाँ से जीत नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये ज़रूर मानूंगी मैं INLD शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैं चौटाला परिवार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्द वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। दरअसल सभी राजनीतिक दलों में जिक्र भारतीय जनता पार्टी का करें, कांग्रेस पार्टी का करें, तमाम जो दिग्गज हैं जननायक जनता पार्टी का करें, इंडियन नेशनल लोकदल का करें, हरियाणा में चार ही तो राजनीतिक दल हैं और चारों के चारों में ही चौटाला परिवार है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि परिवार अगर एक हो जाए तो फिर किसी का वजूद नहीं बचता। नहीं देखिए, ऐसा है सिरसा की अगर आप बात करेंगे तो आप चौधरी देवीलाल जी की बात ज़रूर करेंगे। चौधरी देवीलाल जी के साथ आज भी वहाँ की जनता जो है वो अपने दिल से और अपने दिमाग से जुड़ी हुई है, और चौधरी देवीलाल जी को हम जो है वो, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना उन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए किया है, जितना जो है उन्होंने गरीब जनता के लिए किया है, कि आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये सरकार को आग्रह कर सकें कि उनको जो है भारत रत्न दिया जाए। मैंने आपके बारे में सुना, एक बयान जो है आपकी तरफ से दिया गया जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपको फ़ोन के ज़रिए जानकारी खुद अशोक तंवर ने दी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब वैसे बैठ के, क्योंकि मेरे माता जी जब हैं स्वर्ग सिधार गए तो वो अपने परिवार के साथ मेरे घर पर बैठने के लिए आए थे, तो वैसे ही चर्चा चलते हुए तो उन्होंने ये कहा था कि बहन जी मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ सिरसा से, और क्या कहते हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा है कि संगठन इतना बड़ा, जब संगठन होता है तो संगठन बड़ा सोच समझ के निर्णय लेता है, और इसलिए अभी जैसे क्या कहते हैं कि बहुत जगह से मुझे ये भी सुनने में आता है, कहते हैं कि जी सुनीता दुग्गल तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। ये किसने कहा? अपने आप ही लोग कई बार कई मीडिया वाले आके मुझसे पूछ चुके हैं सवाल। तो क्या है ना कि आप क्या चाहते हो और संगठन क्या चाहता है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे उसमें मैंने भी यही बात कही कि संगठन जो है, अगर संगठन जो है वो सुनीता दुग्गल से ये पूछेगा कि सुनीता दुग्गल क्या चाहती है, तो सुनीता दुग्गल का ये जवाब है कि मेरी इच्छा है कि जिस तरह से मैंने 5 साल पहले जो है सिरसा की जनता की सेवा करी है, इसी तरह से ही लोकसभा का चुनाव लड़कर मैं सिरसा की जनता की सेवा करना चाहती हूँ।
चुनावी मुकाबले में फाइनल निर्णय जो है वो संगठन का ही होगा। चुनावी मुकाबले में पहले भी आपने देखा कि काले झंडे आपको दिखाए जाते थे, जहां भी जा रही थी किसान आंदोलन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें उभरती नजर आ रही हैं। इस तरह का विरोध अगर झेलना पड़ता है तो कितना असर उसका चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी भी मेरे किसान भाई ने काला झंडा नहीं दिखाया। मुझे केवल और केवल कुछ ऐसे राजनीतिक जो लोग थे, जिन्होंने आपने देखा होगा कि जिन्होंने अब किसी न किसी दल के अंदर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करी है, तो ये ही लोग थे जो किसान भाइयों का बहाना बनाकर और जो है वो काले झंडे दिखाने का काम कर रहे थे या कि मेरी गाड़ी को तोड़ने का काम कर रहे थे। अब जब वो उन्होंने अलग अलग जो है जिस तरीके से जो है दलों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उनको उन्होंने उनका पटका पहन लिया है, तो सब लोग समझ गए हैं कि ये किस तरह की रणनीति थी और किस तरह की राजनीति थी। शैलजा अगर चुनाव मैदान में सिरसा से कूद जाती हैं, कितनी मुश्किल ये चुनावी डगर आप मान रहे हैं? देखिए, शैलजा जी जो है ना बहुत पुरानी और बहुत अनुभवी नेता हैं और उनका यहाँ पर बहुत समय से, वो उनके पिताजी भी यहाँ पर सांसद रहे, वो खुद भी यहाँ पर सांसद रहे, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ साथ आपको जो है ना वो अपने खासकर जिन्होंने इतना प्यार आपको दिया हो ना उनको संभालना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि वो संभाल नहीं पाई, इसलिए वो आप देखिए कि मैदान छोड़कर और अम्बाला की तरफ चली गई। और वो तो इतना वजूद रखती थी कि वो अगर अपने संगठन को कहती तो वो सिरसा से अपनी मर्जी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन वो मैदान छोड़कर गई। तो ये बातें जो है ना वो जनता को थोड़ा सा कचोट जाती हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर शैलजा जी जो हैं यहाँ पर आएंगी तो कोई बहुत ज़्यादा जो है उनको रिस्पांस मिलेगा। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार लगातार मौजूदा सूरत हाल में मजबूत होता जा रहा है, चुनावी टक्कर ज़बरदस्त रहने वाली है। चौटाला परिवार जिस तरीके से कह सकते हैं कि दो अलग अलग हिस्सों में बंटता हुआ नजर आया, जननायक जनता पार्टी और INLD, तो उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वर्चस्व अगर किसी जाट नेता का बड़ा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा है, और गैर जाटों का भी खुला समर्थन इस बार कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से मिलने वाला, क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, हमारे हरियाणा की जनता ना बहुत समझदार है। आप देखिए कि जब जब जिस नेता ने जात पात की राजनीति की है ना, उसको आईना दिखाने का काम हमारी जो है हरियाणा की जनता ने किया है, तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी नेता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना है, अगर वो जात पात की राजनीति में जाएगा, वो एक ही समाज का नेता बनने की कोशिश करेगा, तो उसको यहाँ की जनता आईना दिखाती है और उसको फल भुगतना पड़ता है। सिरसा लोकसभा सीट को लेकर क्या दावा आप सामने रखेंगे? देखिए, मुझे वहाँ की जनता का बहुत 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 प्यार और स्नेह मिला, और हर वर्ग का, आप किसी भी वर्ग में चली जाइए, जैसे मैं कल की बात कर रही हूँ, पूर्वांचल के भी लोग वहाँ पर जो हैं वो अगर आप उनका वीडियो आप देखें तो जिस तरह के शब्दावली मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया कि हर किसी के दिल में जो है मेरे लिए इतना प्यार और इतना स्नेह है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर संगठन जो है वो फिर से मुझ पर विश्वास व्यक्त करता है, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अब की बार फिर से यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। चलिए, चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किसी से भी कमजोर नहीं रहने वाली, और साफ तौर से सुनीता दुग्गल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का चुनावी रण में सामने कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं मिलेगा, और दो टूक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठन ये तय करेगा कि उनकी भूमिका क्या होगी, लेकिन अगर चुनावी मैदान में सुनीता दुग्गल को उतार दिया जाए तो फिर किसी से भी टक्कर लेने में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महासंग्राम 2024 के इस खास एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ सिरसा।